और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी पांच बाइक्स के बारे में जो आपके लिए पैसा वसूल रहने वाली है, मतलब वैल्यू फॉर मनी बाइक रहने वाली है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी हो वो आपके लिए भी हो, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ बाइक सिलेक्ट की हैं 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर में, जो आपको काफ़ी अच्छा लुक्स, परफॉर्मेंस, माइलेज और काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर देगी। तो जो पहले नंबर की बाइक मैंने सेलेक्ट की है वो एक मिड रेंज बाइक है और वो है TVS Apache RTR 160। दोस्तों, इस बाइक को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि इसमें आपको कम प्राइस में काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये एक लॉन्ग टर्म बाइक है। बात करें लुक्स की, तो लुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो डिज़ाइन आपको पुराने मॉडल में देखने को मिलता था, वही सेम डिज़ाइन आपको इस वाले मॉडल में भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो कलर आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये थोड़ा शाइनी पैटर्न में है, लेकिन अगर आप मैट कलर्स की ओर जाते हो तो वो इस बाइक को और भी स्टाइलिश और खूबसूरत लुक देते हैं। हालांकि इसका लुक इतना बुरा भी नहीं है, सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लुक आपको ऑफर करती है। बात करें फ्रंट डिज़ाइन की, तो सामने आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलता है जिसकी नाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और कॉर्नर्स पर आपको LED DRLs मिलते हैं। वहीं पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है और इंडिकेटर्स, इसमें आपको डिसेंट बल्ब इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पहला सिंगल चैनल ABS मिलता है जिसके कारण आपका सेफ्टी लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। दूसरा फीचर इसमें नया ऐड किया है वो है GTT, मतलब ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। ये वर्क कुछ ऐसे करता है कि अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हो तो आप बिना रेस दिए, मतलब बिना थ्रॉटल दिए, अगर आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे तो बाइक एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर राइड करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर इसमें ऐड किया गया है। ये फीचर आपको हायर सेगमेंट की बाइक में ही देखने को मिलता था, लेकिन TVS ने इस बाइक में भी ऐड कर दिया है। और जो तीसरा फीचर है वो ब्रेकिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, इसमें आपको पैटल डिस्क ब्रेक मिलते हैं और जो पैटल डिस्क ब्रेक का ही डिस्टिंग्यूशन होता है वो राउंड डिस्क ब्रेक के मुकाबले काफ़ी बेहतर होता है, इसलिए आपको और दूसरी बाइक के मुकाबले इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। बात करें प्राइस की, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,05,000 और ऑन रोड ये तकरीबन आपको 1,25,000 तक पड़ेगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन जिसका मैक्स पावर है 15.53 PS और मैक्स टॉर्क है 14 न्यूटन मीटर का। बात करें सस्पेंशन और टायर की, तो सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और 90 सेक्शन 90 का 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिलेगा। वहीं पीछे आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलेगा और 110 सेक्शन 80 का टायर आपको इसमें मिलेगा। टायर भी इसमें आपको अच्छे खासे मोटे मिल जाते हैं जो रोड पर काफ़ी अच्छी ग्रिप पकड़ लेते हैं। बाकी दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका बजट 1,25,000 तक है तो फिर ये बाइक आपके लिए आराम से पैसा वसूल बाइक रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको लुक्स भी अच्छा खासा मिल जाता है, पावर भी अच्छी मिल जाती है। अगर माइलेज की बात करें तो आप अराउंड 40-45 KMPL तक का माइलेज गेन कर सकते हो। और पहले जो कंप्लेंस थी वाइब्रेशन से रिलेटेड, अब वो कम हो गई है क्योंकि BS6 के आने से इंजन काफ़ी हद तक रिफाइन हो गया है, इसलिए अब इसमें आपको वाइब्रेशन भी कम देखने को मिलेगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप TVS Apache RTR 160 को लेना पसंद करोगे कि नहीं। दूसरे नंबर की जो बाइक है वो एक फुल फेयर्ड बाइक है और वो है यामाहा R15 वर्जन 3। दोस्तों, अगर इस बाइक की लुक्स की बात करें तो 150cc सेगमेंट में शायद ही आपको और दूसरी ऐसी बाइक देखने को मिलती होंगी जो इस बाइक को लुक्स के मामले में टक्कर दे सके, और स्पेशली मुझे भी इस बाइक का लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, सामने आपको LED हेडलाइट मिलती है जिसकी नाइट विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, आपको काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी मिल जाता है। पीछे आपको नॉर्मल LED टेल लाइट मिलती है और इंडिकेटर्स, इसमें आपको डिसेंट बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे। हालांकि जिस प्राइस सेगमेंट में ये बाइक आती है तो इसमें आपको LED इंडिकेटर्स देने चाहिए थे, लेकिन ठीक है, बल्ब इंडिकेटर्स भी बेस्ट इन सेगमेंट है। बात करें प्राइस की, तो दोस्तों इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,50,000 और ऑन रोड ये आपको तकरीबन 1,70,000 या फिर 1,80,000 तक पड़ेगी। बाकी प्राइस वगैरह आप अपने नियर बाय शोरूम से कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि हर स्टेट का प्राइस अलग अलग होता है। दोस्तों, फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, स्लीपर क्लच मिलता है और इसमें आपको यामाहा की वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी मिलती है और इसके स्पीडोमीटर में भी आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टायर्स और सस्पेंशन की बात करें तो सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और 100 सेक्शन 80 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। वहीं पीछे आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है और 140 सेक्शन 70 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर
मिलेगा और दोनों ही टायर आपको 17 इंचेस के मिलेंगे। और दोस्तों टायर काफ़ी मोटे हैं तो ये रोड पर अच्छी ग्रिप पकड़ के चलेंगे, तो आप कॉर्नरिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाओगे। इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन, जिसका मैक्स पावर है 18.6 PS और मैक्स टॉर्क है 14 न्यूटन मीटर का। बाकी दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि फुली फेयर में अगर आप कोई बाइक लेना चाहते हो और अगर आपका बजट इतना है तो यामाहा R15 वर्जन 3 से अच्छी कोई भी बाइक नहीं है। इस बाइक का मतलब कोई भी तोड़ नहीं है। अगर माइलेज की बात करें तो ये आपको आराम से 45-50 KMPL तक का माइलेज दे देगी। और अगर आपको लगता है कि ये मजाक है तो बहुत सारे लोग इसको चला रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इतना माइलेज उनकी बाइक उनको दे देती है, तो मेरे हिसाब से ये माइलेज इस बाइक के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप R15 वर्जन 3 को लेना पसंद करोगे कि नहीं। तीसरे नंबर की बाइक है होंडा हॉर्नेट 2.0। दोस्तों अब हॉर्नेट में पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट कर दिए गए हैं। मतलब पुराने मॉडल में आपको उतने फीचर्स तो नहीं मिलते थे, लेकिन जो जो कमियां उसमें थी अब वो इस मॉडल में पूरी तरह से कंप्लीट कर दी गई है। हालांकि डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो डिज़ाइन आपको पुराने मॉडल में देखने को मिलता था वही सेम डिज़ाइन आपको इस वाले मॉडल में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको न्यू ग्राफिक्स मिल जाते हैं और पुराने मॉडल में आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट मिलती थी, लेकिन अब में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है जो कि अच्छी कंफर्टेबल और स्पेसफुल है। दोस्तों सामने आपको LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है और इसकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है और पीछे आपको एक्स शेप में LED टेल लाइट मिल जाती है। दोस्तों इंडिकेटर्स की बात करें तो इस सेगमेंट में आपको काफ़ी बढ़िया LED इंडिकेटर्स इस बाइक में मिल जाते हैं। और एक बड़ा चेंज दोस्तों इसमें यह हुआ है कि सामने अब आपको USD फोक सस्पेंशन मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट की बाइक में आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ तक कि R15 वर्जन 3, RS200 और NS200 जैसी बाइक में भी आपको सामने USD फोक सस्पेंशन नहीं मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया फीचर होंडा ने इस बाइक में ऐड कर दिया है। दोस्तों इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 184 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन, जिसका मैक्स पावर है 17.26 BHP और मैक्स टॉर्क है 16 न्यूटन मीटर का। टायर्स और सस्पेंशन की बात करें तो सामने आपको USD फोक सस्पेंशन मिलता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपको 110 सेक्शन 70 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। दोस्तों ये फ्रंट टायर की बात है, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है और 140 सेक्शन 70 का इसमें आपको टायर मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और पीछे आपको रियर डिस्क मिल जाएगा, और इसमें आपको पेटल डिस्क ब्रेक मिलते हैं जिनका हीट डिस्ट्रीब्यूशन राउंड डिस्क ब्रेक के मुकाबले काफ़ी बढ़िया होता है, इसलिए इसकी ब्रेकिंग भी और दूसरी बाइक के मुकाबले काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। और बात करें इस बाइक की प्राइस के बारे में तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,28,000 और ऑन रोड ये आपको तकरीबन 1,46,000 की पड़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपका बजट इतना तक है तो फिर ये आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी बाइक रहने वाली है, और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बाइक काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप इस बाइक को लेना पसंद करोगे कि नहीं। फोर्थ नंबर की बाइक है KTM ड्यूक 200। दोस्तों अब ये बाइक थोड़ी सी ओवर प्राइस जा सकती है, मतलब 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा जा सकती है, लेकिन इस बाइक के बारे में आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी ये बाइक आप सभी के लिए बढ़िया रहने वाली है। दोस्तों लुक्स की बात करें तो लुक्स में इस बाइक का कोई भी तोड़ नहीं है, मतलब 200 सीसी सेगमेंट में आपको इससे शार्प और मस्कुलर लुक किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। मैं खुद ड्यूक 390 ओन करता हूँ और उसका लुक भी यही है। अगर आप उसको लेके जाते हो मार्केट में तो आपको हर एक इंसान पलटकर देखेगा। दोस्तों सामने आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलता है और कॉर्नर्स पर आपको LED DRLs मिलेंगे। दोस्तों हैलोजन हेडलैम्प इस बाइक के लिए बेस्ट इन सेगमेंट है, क्योंकि अगर आपको इसमें LED हेडलाइट मिलती तो उसकी नाइट विजिबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हैलोजन हेडलैम्प की नाइट विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी है, तो ये इस बाइक के लिए अप टू द मार्क है। पीछे आपको नॉर्मल LED टेल लाइट मिलेगी और इंडिकेटर्स इसमें आपको LED इंडिकेटर्स मिलेंगे। दोस्तों KTM क्वालिटी के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। दोस्तों फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि पहला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे कि आप थक जाओगे गिनते गिनते, लेकिन इसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स और इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये सारे इंडिकेटर्स सब कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको भरपूर मिल जाता है। डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, और दोस्तों इसमें आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलता है, और इसमें आपको सुपर मोटो मोड भी
नहीं मिलता है। हालांकि सामने आपको USD फोक सस्पेंशन मिल जाएगा और पीछे भी आपको WP मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा। सीट कंफर्ट की बात करें तो राइडर सीट थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन पिलियन सीट अब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। पुराने मॉडल में तो काफ़ी छोटी आती थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल कर दी गई है। बात करें इंजन की तो इसमें आपको मिलता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन, जिसका मैक्स पावर है 26 BHP और मैक्स टॉर्क है 19.5 न्यूटन मीटर का। दोस्तों बात करें प्राइस की तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,80,000 और ऑन रोड ये आपको तकरीबन 2,02,000 तक पड़ जाएगी, मतलब 2,00,000 के अंदर ही आपको ये बाइक पड़ेगी। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें आपको 2,02,000 2,04,000 तक पड़ सकती है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपका बजट इतने तक है तो फिर ये बाइक आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। दोस्तों लुक्स के मामले में इस बाइक का कोई भी तोड़ नहीं है और जो लोग KTM लवर्स हैं तो वो इस बाइक को ज़रूर लेना पसंद करेंगे। अगर माइलेज की बात करें तो आप अराउंड 30-35 KMPL तक का माइलेज गेन कर सकते हो, जो कि ठीक है 200 cc के हिसाब से आपको इतना माइलेज काफ़ी पूरा आएगा। हालांकि आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप इस बाइक को लेना पसंद करोगे कि नहीं। फिफ्थ नंबर की बाइक है हस्कवर्ना विट पिलियन 250। अब जिन लोगों को एक यूनिक डिज़ाइन चाहिए या फिर एक यूनिक लुक चाहिए तो वो हस्कवर्ना की तरफ जा सकते हैं। हालांकि ये बाइक थोड़ी सी ओवर प्राइस जा सकती है, लेकिन इस बाइक के बारे में बताना ज़रूरी है क्योंकि ये बाइक आपके लिए काफ़ी बढ़िया होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों विट पिलियन और स्वार्ट पिलियन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब डिज़ाइन में तो कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन जो स्वार्ट पिलियन है वो एक स्क्रैम्बलर बाइक है, इसलिए उसमें आपको जो हैंडल मिलता है वो स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है, आपको उसमें स्प्लिट हैंडल नहीं मिलता है। और आपको जो टायर मिलते हैं वो भी थोड़े ऑफ रोड और रेसर टायर मिलते हैं, और इसमें आपको थोड़ी बहुत एसेसरीज भी मिल जाती है जैसे कि बैग माउंट की, इसलिए जो है उसको ना टूरिंग पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये जो विट पिलियन है इसमें आपको स्प्लिट हैंडल देखने को मिलता है, इसमें आपको बैग माउंट की कोई भी एसेसरीज देखने को नहीं मिलती है, और इसमें आपको रेसिंग टायर्स मिलते हैं। तो ये एक कैफे रेसर बाइक है, इसलिए इसमें आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी की सारी चीजें मिल जाती हैं। सामने आपको बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में राउंड शेप में आपको LED DRLs मिल जाते हैं, और सेंटर में आपको LED हेडलाइट का फुल सेटअप देखने को मिलेगा। पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी और इंडिकेटर्स भी इसमें आपको LED मिल जाते हैं। इंजन स्पेक्स की बात करें तो 248.76 cc का इसमें आपको इंजन मिलता है, जिसका मैक्स पावर 30 PS और मैक्स टॉर्क है 24 न्यूटन मीटर का। हालांकि ड्यूक 250 से इसका पूरा इंजन स्पेक्स सिमिलर है, और काफ़ी सारी चीज़ें KTM से बोरो भी की गई है, जैसे कि फ्रेम हो गया, डिस्क ब्रेक हो गए, उनका सेम साइज़ है, और आपको सस्पेंशन भी इसमें सेम ही देखने को मिलता है, WP सस्पेंशन। अगर बात करें दोस्तों सीट कंफर्ट की तो एक बात मैं कहूँगा कि सीट थोड़ी सी छोटी है, मतलब सिर्फ आराम से 2 लोग ही बैठ कर राइड कर पाएंगे, और अगर आप पीछे का मड फ्लैप हटा देते हो तो जो पिलियन है उसके ऊपर मड आ सकती है अगर आप उसको बारिश में राइड करते हो। तो सीट कंफर्ट के मामले में सीट कंफर्ट बढ़िया है, लेकिन जो सीट की स्पेस है वो उतनी ज़्यादा पसंद मुझे नहीं आई है। अब प्राइस की बात करें तो इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,90,000 और ऑन रोड आपको तकरीबन 2,10,000 या 2,15,000 तक जा सकती है। तो आपको 10,000 से 15,000 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। हालांकि इसमें आपको क्लच एडजस्टर या ब्रेक एडजस्टर नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है और डुअल चैनल ABS इस बाइक में आपको मिल जाता है। और दोस्तों इसकी ब्रेकिंग एक तरीके से अच्छी इसलिए है क्योंकि इसका फ्रंट डिस्क आपको लेफ्ट में देखने को मिलेगा और रेयर डिस्क राइट में देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो ब्रेकिंग है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। बाकी दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको एक अच्छी गुड लुकिंग बाइक चाहिए और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट्स हो और आप नई बाइक लेना चाहते हो तो हस्कवर्ना आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि ये बाइक दिखने में काफ़ी ज़्यादा धांसू लगती है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके दबा दो बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। और आपको यहां पर मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम शो हो रहा होगा, तो जाओ मुझे वहां जाके फॉलो करो, और अगर आपको वहां कुछ डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हो। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज।